करोड़पति अपने आखिरी हफ्ते में चल रहा है और शो जल्द ही ऑफ एयर हो जाएगा। केबीसी सीजन 11 में अविनाश कुमार मेहता को भारी हार का सामना करना पड़ा। अविनाश ने बिना किसी लाइफलाइन का इस्तेमाल करते हुए 10 सवालों के जवाब दे दिए थे और 3,20,000 रुपये जीतने में कामयाब रहे। अविनाश ने 12,50,000 के सवाल पर अपनी पहली लाइफलाइन फ्लिप द क्वेश्चन का इस्तेमाल किया। 12,50,000 के सवाल पर भी उनका जवाब बिल्कुल ठीक था, लेकिन अविनाश रिस्क नहीं लेना चाहते थे और उन्होंने सवाल को फ्लिप करा लिया। ये सवाल फ्लिप होने के बाद अविनाश से क्रिकेट से जुड़ा सवाल पूछा गया और वे इस सवाल पर कंफ्यूज नजर आए। ये सवाल था कि विदेशी भूमि पर भारत की तरफ से पहला शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन है। अविनाश क्रिकेट के शौकीन होने के बावजूद इस सवाल पर कंफ्यूज नजर आए और उन्होंने एक और लाइफ लाइन का इस्तेमाल करते हुए ऑडियंस पोल का इस्तेमाल किया। ऑडियंस पोल लेने पर अमिताभ ने उन्हें चेताया भी था कि 12,50,000 के सवाल कठिन होते हैं और ज़रूरी नहीं कि ऑडियंस का अनुमान ठीक निकले, इसलिए अपने विवेक से उत्तर दीजिए। अविनाश ने ऑडियंस पोल का इस्तेमाल कर ऑडियंस के साथ जाने का फैसला किया और उनका फैसला गलत साबित हुआ और अविनाश अपने साथ 3,20,000 रुपये ही ले जा सके। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।